सबको मेरा प्रणाम, सब मुझसे बड़े हैं। मैं दो तीन चीज़ें पटल पे रखना चाहता हूँ। कर्नल साहब पिछले एक साल से बीमार थे और प्रशासन का और माननीय मुख्यमंत्री का बहुत प्रेशर था उनके लिए ये पांचना बांध का मसला हल करने का और नहरों को खोलने का। और साहब ने एक बात उनसे सीधी सीधी सट गई, जो मेरे अंदर भी वही बात है कि मर जाएंगे लेकिन अपने आदमियों को धोखा नहीं देंगे। ये कर्नल साहब ने खुद अपने मुंह से ये बात कही और उस बात का खामियाजा सबने भुगता अलग अलग तरीके से। कर्नल साहब ने भी भुगता, उनकी छोटी सी चीज़ कर्नल साहब की केवल इस चीज़ के मना करने से, जो निजी डॉक्टर था उनका उसको अजमेर से जयपुर ट्रांसफ़र नहीं किया इन लोगों ने। आपको मैं बताऊं, आज कर्नल साहब हमारे साथ 4-6 महीने और हो सकते, लेकिन कर्नल साहब ने बोला भाई नहीं, इस छोटी चीज़ के लिए मैं ये बड़ा त्याग नहीं करूँगा। तो कर्नल साहब ने बिल्कुल लठ गाड़ दिया कि मैं अपने लोगों के साथ धोखा नहीं करूँगा, तो नहीं करूँगा, नहीं खुलेगी तो नहीं खुलेगी, खुलेगी तब जब सबको पानी मिलेगा। तो ये तो बैकग्राउंड है पिछले एक साल का। मैं आपको जो आप लोगों ने बात कही कि नहर नहीं खुलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं खुलनी चाहिए, और 17 साल में जो नालियां बना के दिए इन्होंने 3 या 2, उसमें से अगर ये JEN और XEN और कलेक्टर और ये चीफ मिनिस्टर साहब उस नाली से अगर किसी खेत में पानी दे दें तो हम तो कल खोल दें। वही कह रहा हूँ, मेरा एक छोटा सा निवेदन है सबसे, अगर रुको, जो बात कही कि टीम बढ़नी चाहिए ग्राउंड में, तहसीलों में बिल्कुल होना चाहिए, जो बात बटरू ने कही, हम केवल पानी पे जाके ना अटक जाएं। जो हमारे घर गांव विस्थापित हुए जिनको कहा कि ये सुविधाएं मिलनी चाहिए, सुविधाएं भी अपनी समिति को कार्य करना चाहिए, मेरा निवेदन, क्योंकि केवल पानी पे ना अटके हम। अगर कह रहे हैं कि वो लोन नहीं मिल रहे, वो जमीनें नहीं मिल रही, वो भी तो हमारा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर बसंता जी और टीम छोटी पड़ रही है इसके लिए, ऑपरेशनल तो टीम में 4 लोग और गठित कर लो भाई, और उसके अंदर मेरे को जो दिख रहा है आगे वो ये दिख रहा है कि हमारी चर्चा बिल्कुल कोर्ट से नहीं होनी चाहिए। क्यों करें हम कोर्ट से चर्चा? हमारी सरकार से विनती है कि हमारा काम करके दो, जिस तरह से बाकी लोग राजस्थान के नागरिक हैं वैसे हम भी नागरिक हैं, हमें भी पानी चाहिए, 17 साल हो गए। तो हमारा पक्ष चाहे कोर्ट में रखें, चाहे कैबिनेट में रखें, चाहे विधानसभा में रखें, चाहे अपनी गली नुक्कड़ में रखें, हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो हमारे को पानी देते। और मैं इस बात का पूरा समर्थन करता हूँ कि अगर पानी नहीं मिलेगा तो खुलेगा नहीं, क्यों खुलेगा? तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो बात कही रूप सिंह जी ने और बाकियों ने कही कि हम केवल कोरियर एजेंट बन के रह रहे हैं, एक चिट्ठी वहाँ से आई, एक चिट्ठी यहाँ से गई और होता कुछ नहीं। और हम हमारे पास जब एक, और बहुत अपने दिल की बात कह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ इतने दिनों से, एक मीटिंग हुई, उसने चिट्ठी भेज दी, हम लोग शांति से बैठ गए, फिर हमने एक चिट्ठी भेज दी, हम शांति से बैठ गए, उसने मीटिंग में बुला ली, हमने एक समोसा चाय खा ली और हल्ला हो गया और जा करके बैठ गए। फिर उसके बाद क्या, एक बार हल्ला किया था हम लोगों ने, एक मीटिंग हुई थी करीब 5-6 महीने पहले जब बहुत हल्ला हुआ था, उसके बाद में जो हल्ला करता है, जो सही बात करता है, जो चिल्ला के बोलता है, उसको ये लोग मीटिंग में नहीं बुलाते। आप समझिए बात, ठीक है? क्यों? क्योंकि इनको वो लोग चाहिए जो बुरा मत मानिएगा, मैं स्पष्टता से कह रहा हूँ, वो लोग चाहिए जो ज्यादा ना कहें, जो ज्यादा ना समझे। चुपचाप कर उस मीटिंग में MLA भी बैठे थे सभी बैठे थे, हमने तो उन्हीं को कहा था ना भाई। और ये बात बिल्कुल सही है, ये गुजर मैणाओं की लड़ाई नहीं है, ये सूखे खेतों की और पानी की लड़ाई है। ये कोई समझ ले तो बहुत बढ़िया, और नहीं समझे तो हम अच्छी तरह से समझाने की औकात रखते हैं, अच्छी तरह समझाएंगे। नंदी की ढाई पूरे भरतपुर तक का प्रॉब्लम हाँ है, जब मैं छोटा था तो इस नंदी में बाढ़ आया करती थी, आज तो बाढ़ गया, यहाँ पे तो 300 फीट में पानी नहीं आ रहा,
तो प्रॉब्लम है। एक और आखिरी निवेदन है, बाकी अगर ठीक लगे तो कर लेना। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये लंबी लड़ाई चलेगी साहब, तो दो लोगों की, दो लीगल टीमों को भी इसमें इन्वॉल्व कर लें, इससे कि एक सिस्टम बनता रहे, कागज इकट्ठे होते रहे, काम बनता रहे। क्योंकि जब आप सरकारों से लड़ते हो तो केवल लड़ से ही नहीं, कभी कभी दिमाग से भी लड़ना पड़ता है। तो इसको भी ये कर लें तो अच्छा रहेगा, दो चार लोगों की एक लीगल टीम भी बना लें इसी संघर्ष समिति के साथ मिल करके। बाकी तो आप जो निर्णय लोगे साहब, हम तो उसमें साझा हैं, कोई कमी ही नहीं।